हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जी एस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। ये टेस्ट नंबर हमारा 65 है, ये पार्ट 5 है। मिडवाइफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है हमने सिलेक्ट किए हैं फ्रेंड। इसके पहले हमारे 65 टेस्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। डेली अपडेट पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक डेली टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स हम गायनकोलॉजी और मिडवाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा इन एग्जाम्स। हेजिटेशन नहीं महसूस होगी आपको एग्जाम देने में। एक स्वस्थ स्त्री के स्तनों से सामान्यतः प्रतिदिन मतलब डेली लगभग कितना दूध स्त्रावित होता है या श्रावित होता है या निकलता है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच मिल्क इज सिक्रिटेड फ्रॉम अ हेल्दी वुमेन ब्रेस्ट पर डे। पर डे कितना श्रावित होता है मिल्क एक स्वस्थ लेडी से, तो बता सकते हैं आप अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी, 500 ml। कितना 500 ml, लगभग जो एक स्वस्थ स्त्री के जो स्तनों से प्रतिदिन लगभग जो मिल्क स्रावित होता है या सिक्रेटेड होता है या निकलता है, तो वो कितना होता है, वो लगभग 500 ml होता है। ये एवरेज आंसर है, आप इसी को मार्क करें ठीक है एग्जाम्स में, जब भी आपको 500 ml मिले एग्जाम्स में। बाकी होता तो है ये 450 से 500 के बीच, 450 से 700 के बीच में होता है, लेकिन ये क्या है, एवरेज आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सॉल्व करना है, एवरेज आंसर यही है सामान्यता है। यहाँ पर जनरली बात किया गया है, कॉमनली ओके, तो क्या होगा आंसर 500 ml। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसमें वेरिएशन भी होता रहता है, चेंजमेंट भी आता है। इनिशियली व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग मिल्क आफ्टर बेबी बर्थ, वैल्यूम्स विल वेरी फ्रॉम द डे टू डे। इसका वैल्यूम क्या होता है, डे टू डे वेरिएट होता रहता है, 750 ml तक पहुंच जाता है ठीक है। लेकिन जो जनरली बात की जाती है वो कितना होता है, 500 ml के आसपास होता है, 500 ml, इतना ही आपको बताना है, 500 ml जब भी आपको अपना ये क्या है। बट यू शुड सी इन अ ग्रेडुअल इंक्रीज, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। कभी कभी 300 ml से स्टार्ट होता है 750 ml तक, 400 से 500 ml तक, लेकिन आपको एवरेज में आंसर क्या होगा, आपका आंसर एवरेज में 500 ml ओके, यही आंसर सही माना जाएगा इन द एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर है टू, आप पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स का पूर्ण विस्तारण कितना होता है, डायलेशन पूछ रहा है यहाँ पर। सर्विस का डायलेशन जो कंप्लीट डायलेशन होता है, फुल डायलेशन होता है, वो कितना होता है, क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ऑप्शन होगा इसका बी, 10 cm। कितना होगा, 10 cm। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो कितना है, 10 cm। ये क्या होता है, कंप्लीट या फुल डायलेशन होता है किसका, सर्विक्स का। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो थोड़ा डिटेल्स में भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ड्यूरिंग एक्टिव लेबर योर सर्विक्स विल डायलेट फ्रॉम दिस 6 cm। ये कितना, 6 cm से 10 cm के बीच में क्या होता है, डायलेट होता है, मतलब विस्तार होता है इसका। लेकिन जो फुल विस्तार होता है किसका, सर्विक्स का, जब बेबी डिलीवर्ड होता है तो वो हो जाता है कितना, 10 cm, मतलब 10 cm तक हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 cm तक क्या होता है, विस्तार हो जाता है। लेकिन स्टार्ट होता है 6 से 10, लेकिन जो होगा नॉर्मली जो पूरा हो जाता है विस्तार, जब इसका डायलेट हो जाता है, वाइडेंट हो जाता है, वो 10 cm होगा। क्या होगा, 10 cm आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा ओके, 10 cm। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्विकल डायलेशन व्हेन योर सर्विक्स मेजर 10 cm अकर्स एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशनल फेस द लास्ट ऑफ द 3 फेज ऑफ द लेबर्स। ये क्या होता है, लास्ट 3 फेज ऑफ द लेबर्स में कितना हो जाता है, जाके ये 10 cm इसका विस्तार हो जाता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अपना आंसर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें अपने आंसर का, इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, इक्लैम्सिया के प्रकट होने की सबसे सामान्य अवधि होती है या कितनी होती है, आपको बताना है। ये लिखा है इंग्लिश में, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पीरियड ऑफ द इक्लैम्सिया टू अपियर। ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो भी हिंदी मीडियम से हैं इसे इक्लैम्सिया लिखा जाता है। तो क्या होगा आंसर इसका, इक्लैम्सिया के प्रकट होने की सबसे सामान्य अवधि कौन सी होती है, कितनी होती है। ऑप्शन होगा इसका बी, ये लिखा है इंट्रापार्टम। क्या लिखा है, इंट्रापार्टम, ऑप्शन क्या है इसका, बी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स भी इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहली बात समझे कि इक्लैम्सिया होता क्या है। इक्लैम्सिया एक महिला की गर्भावस्था के दौरान ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या जन्म के तुरंत बाद होने वाले दौरे को क्या कहते हैं, इक्लैम्सिया कहते हैं।
आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि इप्लेम्सिया होता क्या है। अक्सर यहाँ पर हिंदी में भी दे सकते हैं प्री, ये लिखा है प्री इक्लेम्सिया, तो आपको इक्लेम्सिया के बारे में समझना है कि एक महिला की गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद जो दौरे आते हैं ना, उसे कहा क्या जाता है, उसे कहा जाता है इक्लेम्सिया हो गया, या इक्लेम्सिया कहा जाता है। कंडीशन इन विच वन आर मोर कन्वल्सन अकर्स इन द प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम दी हाई ब्लड प्रेशर, ये किसकी वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इक्लेम्सिया कैन अकर ड्यूरिंग द एंटेपार्टम एंड दी इंट्रापार्टम एंड दी पोस्ट पार्टम पीरियड, ये सभी में इक्लेम्सिया क्या होता है, घटित होता है या अकर होता है, या होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया इक्लेम्सिया की जो प्रकट होने की सामान्य, मतलब जो जर्नली अवधि होती है, मतलब जर्नली जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपको बताना था इंट्रा टर्म होता है, जो जर्नली होता है, कौन सा, इंट्रा टर्म, ऑप्शन क्या है इसका, बी है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है यहाँ पर जो होता है ये 90% ऑफ द इक्लेम्सिया केसेस अकर आफ्टर द 28 वीक्स गेस्टेशन, ये गेस्टेशन जो टाइम होता है, पीरियड होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो इक्लेम्सिया का काजेस होता है ये कितने वीक्स तक अकर होता है, तो ये आफ्टर कितने वीक के बाद अकर होता है, ये आफ्टर 28 वीक के बाद क्या होता है, अकर होता है, ठीक है। अकर मतलब होता है घटता है, मतलब होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। 90% केसेस में कब होता है, आफ्टर 28 वीक के बाद ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 4, आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सभी अच्छे लेवल के हैं, प्री इक्लेम्सिया की सर्वाधिक संभावना किसमें होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। प्री इक्लेम्सिया इज मोस्ट लाइकली इन, क्या होगा आंसर इसका, सर्वाधिक संभावना किसमें होती है, नली पारा, किसमें होती है, नली पारा में होती है। हमने बताया था नली पारा क्या होता है, जो भी वुमेंस क्या होती, कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती थी, उन्हें कहा जाता है नली पारा के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन आप क्वेश्चन पे फोकस करें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर बताना है, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल्स है आपके लिए, प्री एक्लेम्सिया के बारे में लिखा है, वुमेंस ओवर 35 एंड टीनेजर आर दी मोर लाइकली टू डेवलप दी प्री एक्लेम्सिया कंपेयर्ड विथ वुमेंस ऑफ अदर एजेज। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो वुमेंस 35 साल के ऊपर हो जाती हैं, 35 ईयर्स के ऊपर होती हैं, या टीनेजर होती हैं, मतलब टीन वाली, 13, 14, 16 ये वाली जो होती हैं, तो उनमें प्री एक्लेम्सिया जो होता है वो ज़्यादा होने की संभावना होती है अदर वुमेंस की अपेक्षा। ये हम यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा नली पारा सही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, प्री एक्लेम्सिया के बारे में बता रहे हैं, किसमें होता है, अक्सर कौन सी वुमेंस इसका शिकार होती हैं। तो जो 35 साल के ऊपर हो जाती है, 35 एज के ऊपर, या 40 के एबव, तो या जो भी टीन एजर वाली होती है, उनमें ये होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्या, प्री एक्लेम्सिया। हमने बता दिया ये होता क्या, एक प्रकार का दौरे जैसी स्थिति होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, ओके। यहाँ पर लिखा है चाइल्ड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेन कंडीशन एंड इलनेस वुमेंस विद द डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन्स एंड किडनी डिसीजेज आर दी मोर लाइकली टू डेवलप द प्री एक्लेम्सिया। ये लिखा है कि जो प्री इक्लेम्सिया जो हो जाता है वो अक्सर किसमें होगा, उन औरतों, उन महिलाओं को हो जाता है जो क्या होती है, डायबिटीज से पीड़ित होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, बीपी हाई होता है, माइग्रेन की शिकायत होती है, किडनी डिसीज उनको हो चुकी होती है, उनमें क्या होता है, डेवलपिंग का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, किसका, प्री इक्लेम्सिया का। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेलिंग में, इन वुमेन्स को ज़्यादा प्री इक्लेम्सिया हो सकता है। यहाँ पर आप स्पेलिंग पर फोकस करें, और लिखा है ओबेसिटी एंड प्री इक्लेम्सिया रेट्स आर मच हायर वुमेंस ओबीज वुमेंस। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो महिलाएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा से ग्रसित होती हैं, उनमें ये चांस बहुत ज़्यादा होता है कि उन्हें प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा 90% ऐसे चांस होते हैं कि उन्हें क्या होगा, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है। और उन वुमेंस को हो जाता है, उन महिलाओं को हो जाता है जो डायबिटीज से पीड़ित होंगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, माइग्रेन की शिकायत होगी, या किडनी डिसीजेज होगी, तो इनको ये चांसेज है कि ये इनको प्री एक्लेम्सिया हो जाएगा या हो सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ सकते हैं, प्री एक्लेम्सिया से पीड़ित महिला को किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ द डाइट शुड बी गिवन टू अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम अ प्री एक्लेम्सिया, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन होगा इसका डी, हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए, मतलब जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाई जाए वो वाले फूड देना चाहिए, ठीक है, या हेल्दी फूड देना चाहिए, ऑप्शन क्या है इसका डी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए,
हाई प्रोटीन वाले जो डाइट होते हैं और जो हेल्दी फूड होते हैं। ये लिखा है इंक्लूड प्लेंटी ऑफ द हेल्दी फूड लाइक होल ग्रेन फिश नट्स एंड लेग्यूम्स फ्रूट वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। ये ज़्यादा खिलाना चाहिए जो भी वुमेन्स क्या होती हैं प्रीलेंसिया से क्या होती है पीड़ित होती है उनको हाई प्रोटीन वाले फूड देना चाहिए। फिश हो गया मीट हो गया एग्स हो गया ये सारी चीज़ें उनको हेल्दी या यू कहें कि उन्हें हेल्दी फूड देना चाहिए। ठीक है अगर ऑप्शन में इस तरह मिले कार्बोहाइड्रेट ये कैलोरी रेजिड्यू तो आपको बताना होगा आपका आंसर क्या होगा हाई प्रोटीन मतलब उच्च प्रोटीन वाले उनको डाइट देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे ये लिखा हुआ है ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर बता सकते हैं क्या होगा आंसर इसका। ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो सबसे कॉमन प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंग्लिश में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द प्रेजेंटेशन इन ब्रीच प्रेजेंटेशन तो क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका सी फ्रेंड्स फ्रैंक ब्रीच ये प्रेजेंटेशन होता है। होता क्या है यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन पे फोकस करें क्वेश्चन देख लें आप अच्छे से। यहाँ पर लिखा हुआ है द टाइप्स ऑफ द ब्रीच प्रेजेंटेशन फ्रैंक एक्सटेंडेड ब्रीच बोथ लेग्स आर द फ्लेक्स्ड एट द हिप एंड द एक्सटेंडेड एट द नी लिखा है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन का होता है कौन सा फ्रैंक ब्रीच ये क्या होता है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ होता है इसका प्रेजेंटेशन का। इसमें जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो उसकी पोजीशंस कैसी होती है तो उसी पोजीशंस को यहाँ पर डिनोट किया जाता है तो ये जो कॉमन टाइप की पोजीशन होगी बेबी में इसे कहा जाता है फ्रैंक ब्रीच के नाम से जाना जाता है फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ये टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन के हैं तो वो कौन सा टाइप होगा फ्रैंक ब्रीच होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन पे अच्छे समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेवन आप पढ़ सकते हैं अपना आंसर बताएं। ब्रीच प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है इसमें प्रेजेंटिंग जो पार्ट बहुत शो होता है किसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है ब्रीच प्रेजेंटेशन की क्या है कहाँ से तो कौन से पार्ट के बारे में इसे यहाँ पर डिनोटिंग की जाती है इंडिकेशन किया जाता है व्हाट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन होगा इसका सी बुटक्स या कूल्हों के कूल्हे की पोजीशन देखी जाती है कि बेबी का यूट्रस के अंदर जो पैर है बुटक्स से कितना ऊपर उठे हुए हैं कितने फ्लैक्स हैं कितनी उसे क्रॉस किया है कौन सा पैर डाउन है कौन सा पैर ऊपर है इनके क्या है टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता क्या है ये क्या है किसको डिनोट करता है किसको प्रेजेंटिंग पार्ट करता है ये कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ये कूल्हे को या बुटक का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है इन टू द यूट्रस ऑफ द बेबी। ओके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं देयर आर दी थ्री मेन्स ब्रीच पोजीशन तीन मेन ब्रीच पोजीशन होती हैं ये लिखा हुआ है फ्रैंक ब्रीच द बुटक्स आर इन प्लेस टू कम आउट फर्स्ट ड्यूरिंग डिलीवरी फिर लिखा है द लेग्स आर द स्टेट्स पे क्या होता है लेग्स क्या होते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द बॉडी बॉडी के इन फ्रंट ऑफ द बॉडी बॉडी के सामने विद द फीट नियर द हेडेड जो फीट होते हैं वो नियर द हेडेड होते हैं मतलब जैसे बेबी ये यूट्रस है तो ये बेबी का हेड है और बेबी का ये बुटक है बुटक से क्या होगा बेबी ऐसे करके अपने पैर को क्या करता है ऊपर कर लेता है इस तरह तो इसके जो हेड है ना हेड के पास ये इसका जो पैर होता है ये इसके पैर यहाँ पर हो जाते हैं मतलब ये पोजीशन दर्शाता है। तो यहाँ पर अभी बात किया गया था ये किस बॉडी के पार्ट को प्रेजेंटिंग करता है तो ये जो बुटक होता है ना इसके इस पार्ट से रिलेटेड होता है कि कितना पैर उसके ऊपर है कौन सा नीचे है कि क्रॉस में है कैसा है ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं इंटर द यूट्रस के बारे में इसमें जानकारी मिलती है बेबी के। क्वेश्चन नंबर है एट गर्भस्थ शिशु की सामान्य स्थिति पोजीशन कैसी होती है व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ दी यहाँ पर लिखना है फेटल इन्फेंट या फेटस इन्फेंट तो कैसा क्या होगा आंसर इसका कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ए लेफ्ट ओसीपिटो इंटीरियर आप इसे इंग्लिश में ही याद करें ज़्यादा अच्छा होगा जो भी हिंदी मीडियम से ऑप्शन में अगर मिलेगा आपको तो यही मिलेगा ठीक है तो आप कन्फर्म कर लें इंग्लिश में लेफ्ट ओसीपिटो इंटीरियर गर्भस्थ शिशु की जो सामान्य पोजीशन होती है स्थिति होती है तो वो जो नॉर्मल पोजीशन होगी वो कैसी होती है वो होती है लेफ्ट ओसीपिटो इंटीरियर आप यहाँ पर समझ सकते हैं थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके बारे में द बेस्ट पोजीशन ऑफ द योर बेबी टू बी इन फॉर द लेबर एंड बर्थ इज हेड डाउन उसका क्या होगा हेड डाउन होगा एंड फेसिंग योर बैक सो डैट दियर बैक इज टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ योर टमी दिस इज कॉल्ड द ओसियो
ये लिखा है ओसीपीटो इंटीरियर पोजीशन, इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, ओसीपीटो इंटीरियर पोजीशन के नाम से जाना जाता है। ये यूट्रस के अंदर की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि बेबी का पीठ किधर होगा और उसका हेड कहाँ होगा, उसका जो पैर होगा वो कितना डाउन होगा, ये सारी चीज़ें इसके बारे में मेंशन किया जाता है। इसी के ये क्या है, सामान्य जनरली पोजीशन होती है, ठीक है, और इसी को कहा क्या जाता है, इसी को कहा जाता है ओसीपीटो इंटीरियर पोजीशन। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, लेफ्ट ओसीपीटो इंटीरियर, ये सामान्य स्थिति होती है, मतलब लेफ्ट, ओके, लेफ्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 9 हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ सकते हैं, प्रसव के पश्चात गर्भाशय को प्रसव पूर्व स्थिति में लाने में कितना समय लगता है। गर्भाशय के पश्चात, सॉरी यहाँ पर लिखा है प्रसव के पश्चात, मतलब आफ्टर लेबर के पश्चात क्या होता है, गर्भाशय को, यूट्रस को जो पूर्व स्थिति में, जैसे वो विदाउट प्रेग्नेंट में था ना, तो उस स्थिति में लाने को उसको कितना समय लगता है, कितना टाइम लगेगा, कितना वीक्स लगेगा। आफ्टर डिलीवरी हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द यूट्रस टू रीच द प्रीनेटल पोजीशन, उसको प्रीनेटल पोजीशन में जाने में कितना समय लगेगा, जब वो नॉन प्रेग्नेंट थी, मतलब उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा कि वो पूर्व स्थिति में पहुंच जाए, अपनी पहली वाली स्थिति में। ऑप्शन होगा इसका बी, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन होगा इसका बी होगा, 6 वीक्स, कितना, 6 वीक्स लगता है टाइम, जो प्रसव के पश्चात गर्भाशय को समय, मतलब प्रसव पूर्व स्थिति में, जो प्रसव के पहले की स्थिति उसमें लाने में जो टाइम लगता है वो 6 वीक्स लगता है, कितने, 6 सप्ताह लगता है, ओके। तो ध्यान रखिए आपको, आपका आंसर क्या होगा, 6 वीक्स होगा आंसर, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम्स में सभी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, 6 वीक्स लिखा है, 6 वीक्स का टाइम लग जाता है आफ्टर द गिविंग बर्थ, मतलब जब जन्म बच्चे को दे देती है माँ, फिर उसके बाद वो जो अगर आप क्या नाम प्रीनेटल पोजीशन में जाएगी या प्रसव की पूर्व स्थिति में जाएगी जैसे वो पहले थी, तो उसको 6 सप्ताह लग जाएंगे, 6 वीक्स लग जाएंगे। योर यूट्रस विल बी बैक टू द इट्स नॉन प्रेग्नेंट साइज, तो उसका यूट्रस जो होगा नॉन प्रेग्नेंट साइज में चला जाएगा, कितने सप्ताह बाद, मतलब 6 वीक्स बाद, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। निम्न से कौन सा लोकिया का प्रकार नहीं है, इसे लोकिया पढ़ा जाता है, ध्यान रखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द लोकिया, क्या होगा आंसर इसका, इनमें से सभी टाइप्स दिए गए हैं लोकिया के, बाकी एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन है इसका ए, ये लिखा है नोकिया निग्रा, लोकिया निग्रा क्या है, ये टाइप्स नहीं है इसका, किसका, लोकिया का, ये टाइप्स नहीं है लोकिया, ये होता क्या अभी हम बात करेंगे, डिटेल्स में आपको समझाएंगे। ऑप्शन क्या है इसका, ए है, ओके। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकिया के बारे में, ये लिखा है द ब्लड यू सी आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड लोकिया, जो ब्लड क्या होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद निकलता है, सिक्रेटेड होता है, उसे लोकिया के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको कंफर्म कर लेना कि लोकिया होता क्या है, किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्टली लोग नहीं जानते ये क्या चीज़ होता है, क्या सिस्टम होता है। एक प्रकार का ब्लड होता है, या आप समझ सकते हैं बैड ब्लड होता है या गंदा ब्लड होता है या जो भी ब्लड होता है, इतना आपको समझना है कि एक प्रकार का ब्लड होता है जो चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद सिक्रेटेड होता है, उसे हम लोकिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, लिखा है इट इज द टाइप ऑफ द डिस्चार्ज दैट इज सिमिलर टू योर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये उसी तरह ब्लड होता है जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो ब्लड होता है उसी तरह ये सेम होता है, ओके। फिर लिखा है एंड टाइप का लास्ट फॉर दी 4 to 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी, ये कह रहा है कि जो डिलीवरी के बाद क्या होता है, ये 4 से 6 सप्ताह के बीच तक ये क्या होता है, सिक्रेटेड होता है, ठीक है, 4 से 6 सप्ताह के बीच तक क्या होता है, ये सिक्रेट होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, लोकिया क्या है समझ गए होंगे, और ये 4 से 6 सप्ताह तक ऐसा होता रहता है। यहाँ पर आपको समझना है कि ये टाइप्स कितने होते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, कितने, लोकिया के 3 कलर के हिसाब से टाइप्स बताए गए हैं, 3 प्रकार का, 3 प्रकार से कलर होता है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाएंगे आप। लोकिया जो एक होता है लोकिया रुब्रा, दूसरा होता है लोकिया सिरोसा, तीसरा होता है लोकिया एल्बा, ये सारे लिखे हुए थे लेकिन उस पर लोकिया निग्रा नहीं लिखा था, इसलिए क्या वो टाइप नहीं होता, किसका, लोकिया कलर का वो टाइप, लोकिया का वो टाइप नहीं होता। अब देखिए लोकिया जो लिब्रा है, सॉरी हाँ रुब्रा है, जो यहाँ पर पढ़ लें आप अच्छे से, लोकिया जो रुब्रा है इसका जो टाइम होता है ये 2 से 4 दिन तक स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है लोकिया सिरोसा, ये मतलब 4 दिन के बाद ये 2 सप्ताह तक होता है, 2 वीक्स तक, जब लोकिया सिरोसा सिक्रेट होगा या वो वाला ब्लड निकलेगा तो लोकिया सिरोसा के नाम से जाना जाएगा, तो इसका जो टाइमिंग होता है 4 से 2 सप्ताह के बीच वाला होता है। फिर लास्ट वाला जो होता है
उसे कहते हैं लोकिया अल्बा। क्या कहते हैं? लोकिया अल्बा। ये 2 वीक से यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका लास्ट, इसका पहला स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 से 6 सप्ताह के बीच में, मतलब 2 to 6 यहाँ पर देख लें आप, 2 से 6 सप्ताह के में, 2 to 6 वीक्स तक ये क्या होता है, पोस्टपार्टम तक ये निकलता रहता है, फिर इसके बाद क्या होता है, एंड हो जाता है, जो इसकी सामान्य स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लोकिया का रंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है, हाउ डज द कलर ऑफ द लोकिया चेंज, किस प्रकार से लोकिया का कलर चेंज होता है। अभी मैंने बताया था लोकिया लुब्रा, लोकिया सरोसा, लोकिया अल्बा, तो वो कैसा कैसा कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर बताएं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी फ्रेंड्स, क्या है ऑप्शन बी है, लाल पहला होगा इसका जो कलर होगा, रेड होगा, फिर इसके बाद गुलाबी, या यहाँ पर लिखा है बुरा गुलाबी, मतलब कि बैड टाइप का होगा रेड कलर, या पिंक टाइप का होगा, फिर इसके बाद हल्का पीला होगा, लास्ट में क्या होगा जब एल्बा वाला टाइम होगा, एल्बा लोकिया एल्बा, तो उस पर क्या होगा, हल्का पीला होगा, ये लोकिया के कलर हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, पहली बार जो होगा वो 2 से 4 वाला वो होगा रेड कलर वाला, फिर इसके बाद तो 4 से 2 वीक तक होगा वो गुलाबी या बैड रेड होगा, फिर यहाँ पर लिखा है हल्का पीला मतलब लाइट येलो होगा, किसमें, वो लोकिया जो लास्ट वाला अल्बा वाले में, मतलब 2 से 6 के बीच वाला जो वीक होगा, यहाँ पर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, रेड फिर इसके बाद पिंक बैड, ये एक हो जाएगा, पहला होगा रेड, फिर इसके बाद जब दूसरा सिरोसा में जाएगा तो पिंक पिंक और बैड, मतलब पिंक हो सकता है या तो बैड रेड होगा, फिर लिखा है लास्ट में जब होगा अल्बा वाले में लोकिया अल्बा में वो होगा लाइट येलो मतलब हल्का पीला होगा, यहाँ पर हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें आप अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। लिखा है शर्करा का कौन सा रूप शिशु के मस्तिष्क के विकास में सहायक है, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ द शुगर, कौन सा टाइप्स होता है शुगर का, इज हेल्प हेल्पफुल है इन द ब्रेन, ब्रेन के लिए डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए वो जो चीनी का या शुगर का टाइप होता है वो कौन सा टाइप्स बेबी के लिए डेवलपमेंट के लिए सहायक है, आपको बताना है, हेल्पफुल है, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका डी। ये लिखा है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज एक प्रकार का शुगर का टाइप्स होता है, बाकी सारे टाइप्स लिखे हैं ग्लैक्टोज लैक्टोज फ्रैक्टोज ये सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताया गया है जो शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए जो सहायक होगा वो जो चीनी का या क्या नाम शर्करा का या शुगर का टाइप होगा वो होगा ग्लैक्टोज, ओके, ये बात ध्यान रखना है, मस्तिष्क के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है बेबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13, यहाँ पर पढ़ सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, वह स्त्री जिसने हाल ही में शिशु को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द वुमेन्स हु रिसेंटली गेव द बर्थ टू आ बेबी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं, ऑप्शन होगा इसका बी, क्या होगा आंसर इसका बी, ये लिखा है प्योर पेरा, लिख लें स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब भी इंग्लिश में मिलेगा ये आपको इंग्लिश में ही देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में, ये लिखा है प्योर पेरा, तो स्पेलिंग पर फोकस करें, ऑप्शन होगा इसका बी। यहाँ पर पूछा गया था एक ऐसी स्त्री जिसने हाल ही में किसी शिशु को किसी बच्चे को जन्म दिया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर पेरा कहेंगे। नली पेरा क्या होता है, जिसने कभी किसी शिशु को जन्म ही ना दिया हो, पहली बार जो जन्म दिया होगा उसको प्राइमी पारा कहते हैं, मल्टी पारा जिसने कई बच्चों को जन्म दिया हो मल्टी पारा कहते हैं, ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्स आप देख लें, यहाँ पर ये लिखा है अ वुमेन हु हैज रिसेंटली गिवन अ बर्थ, एक ऐसी स्त्री जो किसने जिसने कभी क्या हाल ही में किसी भी रिसेंटली क्या हो किसी को जन्म दिया हो किसी बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ सकते हैं 14 नंबर पे, निम्न में से जन्म के समय शिशु की हृदय गति कितनी होती है, व्हाट इज द बेबी हार्ट रेट एट बर्थ, कितना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बताएं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है लगभग जो ज़्यादा सही आंसर होता है वो क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका बी। ये लिखा है 120 से 140 पल्सिंग पर मिनट, या हार्ट जो हार्ट रेट होता है हार्ट रेट पर मिनट, इस तरह भी समझ सकते हैं, पल्सिंग रेट और हार्ट रेट क्या होता है दोनों इक्वल होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है, पल्सिंग रेट जितना होता है उतना ही क्या होता है हार्ट रेट होता है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं स्पंदन दर, तो ध्यान रखिए 120 से 140 के बीच वाला होता है शिशु में हार्ट रेट, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं पल्सिंग पर रेट मिनट, ये पर मिनट होता है, ठीक, तो अगर आपको ऑप्शन में ये ना हो तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा 120 से 160 के बीच में, या 120 से अभी ऑप्शन में यहाँ पर 120 से 140 तो दिया गया है, अगर बाय द वे ना हो तो आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है 120 से 160 के बीच में, ठीक है,
ये मिल सकता है। अगर 120 से स्टार्ट होगा, मोस्टली 120 से स्टार्ट होगा, नहीं होगा तो 180 मिलेगा आपको आंसर में, ठीक। लेकिन वो स्टार्ट किससे होगा, 120 से स्टार्ट होगा, मोस्टली अप्रोप्रिएट आंसर बी है। और कभी कभी क्या होता है, 110 से 150 के बीच में या 160 के बीच में दिया होता है ऑप्शन। अगर ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, मतलब ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होंगे 120 के आसपास वाला, तो आपको ध्यान रखना है 110 से 160 के बीच वाला होगा आंसर, ठीक। लेकिन मोस्टली आपको यही मिलेगा 120 से 140 या 120 से 160, मोस्टली यही मिलते हैं 120 टू 160। तो दोनों आंसर आपके लिए, दोनों आंसर सही है, ठीक है। 120 से 160 ये वेरिएट होते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको मोस्टली जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अप्रोप्रिएट आंसर है ये आपका। यहाँ पर लिख लें, सॉरी यहाँ पर 120 to 140 लिख लेना आपको आंसर पे, ठीक है। ये स्पंदन दर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्पंदन दर, ये इंग्लिश में जो भी लिखा है ये सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। निम्न में से महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय वुमेन्स, कौन सा साधन जो महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक नहीं है, नहीं यूज किया जाता, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका सी, NSV है। NSV क्या है, ये स्टरलाइजेशन होता है पुरुषों के लिए, ये महिलाओं द्वारा यूज नहीं किया जाता कंट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में या गर्भ निरोधक के रूप में। तो ऑप्शन है इसका सी है, ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये चाइना में इसकी खोज हुई थी 1974 के आसपास NSV की। ये लिखा है इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट स्टरलाइजेशन, ये परमानेंट स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करता है ऑप्शन फॉर दी मेल के लिए, किसके लिए, मेल के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 नंबर, किस गर्भ निरोधक की फेल्योर रेट सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा होती है। विच कंट्रासेप्टिव है द हाईएस्ट फेल्योर रेट अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन होगा इसका सी, जो कैलेंडर मेथड होता है, कैलेंडर विधि, कैलेंडर मेथड लिख लें आप, तो इसका जो फेल्योर रेट होता है सबसे ज़्यादा होता है। बाकी जो कंडोम, कॉपर टी, ओरल गर्भ निरोधक लिखा है, ये क्या होते हैं, इनका रेट मतलब कम होता है, और या यूँ कहें कि बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है। लेकिन जो जिसके ज़्यादा फेल होने की संभावना होती है होता है कैलेंडर विधि, ठीक है, मतलब जो डेट वाइज जो टाइमिंग होता है उसके हिसाब से ये फेल होने का ज़्यादा मेथड होता है, मतलब फेल हो सकता है, ओके, कैलेंडर मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, अपना आंसर बताएं जल्दी से। कार्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या निकलता है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम, क्या होगा आंसर इसका। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप, ऑप्शन होगा इसका बी फ्रेंड्स, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। ये कार्पस, ये लिखा है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका बी, कार्पर ल्यूटियस के द्वारा ये स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। यहाँ पर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, डिटेल्स पे लिखा है प्रोजेस्टेरोन के बारे में, प्राइमरी हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय दी प्रोड्यूस फ्रॉम दी कार्पस ल्यूटियम, इंग्लिश में देख सकते हैं कार्पस ल्यूटियम इज अ प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करता है। बट इज आल्सो द प्रोड्यूस इनहिबिन, ये लिखा है इनहिबिन ए एंड एस्ट्रोडियल, इसके अलावा भी ये हार्मोन्स सिक्रेट करता है, कौन, कार्पस ल्यूटियम, ये लिखा है इनहिबिन ए और एस्ट्रा डॉयल, ये दोनों हार्मोन्स यहाँ से ये भी निकलता है, लेकिन जो कॉमनली प्राइमरली हार्मोन्स होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन होता है, आप प्रोजेस्टेरोन, आपको मैंने बता दिया ऑप्शन बी था उसका आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं आप। 18 पर लिखा हुआ है कौन सा हार्मोन्स, यहाँ पर देख लें 18 नंबर पे, कौन सा हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक है, तो कौन सा हार्मोन्स होता है, क्या होगा आंसर इसका। विच हार्मोन्स इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन आंसर बताएं, ऑप्शन होगा इसका सी, LHS, LHS कहते हैं इस हार्मोन्स को, इसके बारे में फुल फॉर्म भी बता देंगे हम, कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में, मतलब कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक होता है, वो LHS हार्मोन्स होता है, ऑप्शन क्या है इसका, सी है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, आप पूरा नाम इसका भी लिख लें, ये लिखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसे क्या कहते हैं, ये लिखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, LHS इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। कमीशन जब भी आपको आंसर देता है मिलते जुलते, तो आपको आपसे यही पूछता है कि आप इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताएं, आंसर बताएं अपना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये लिखा है महिलाओं में प्यूबर्टी की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, हाउ ओल्ड इज प्यूबर्टी इन वुमेन्स, तो कितनी होती है लगभग बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन,
क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका बी, 13 वर्ष, 13 ईयर्स। ये क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट प्यूबर्टी एज होती है किसमें? वुमेंस में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा डिटेल्स आपके लिए है, अगर ऑप्शन में इस तरह ना मिले तो आपको क्या करना है। द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स टू बिगिन द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी बिगिन होगी तब एज लगभग कितनी होती है? एवरेज एज लिखी है 11 ईयर्स, मतलब 11 साल ये लिखी है एज। ये क्या है? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है किसमें? गर्ल्स में। तो इसकी जो नॉर्मल या एवरेज एज होगी, हमेशा एवरेज के बारे में बात की जाती है, तो ये 11 ईयर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये 4 साल तक डेवलप हो जाता है, मतलब 13 से 14 साल तक। लेकिन आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर था वो कितना था? 13 था, क्योंकि यहाँ पर 14 आंसर में था नहीं, ठीक है। ये महिलाओं में जो वुमेंस होती है, गर्ल्स होती है, उसमें मतलब कि आप समझ सकते हैं 10 से 14 साल की उम्र, 4 साल में क्या होता है? डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब प्यूबर्टी में जो होती है 14 साल तक होती है, या यूँ कहें। लेकिन इसमें अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? 13, क्योंकि 14 दिया नहीं गया, तो इसलिए क्या है? 13 आंसर माना जाएगा, ठीक। लेकिन जो प्यूबर्टी की जो बॉयज़ में जो एज स्टार्ट होती है, 12 साल से बॉयज़ में स्टार्ट हो जाती है, गर्ल्स में क्या होती है? 1-2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है, बॉयज़ में क्या होता है? 1-2 साल बाद में स्टार्ट होता है। ये एवरेज आंसर लिखा हुआ है, ये आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जब भी सॉल्व करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, 20 नंबर आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। मेनोपॉज का क्या अर्थ है? व्हाट डज मेनोपॉज मीन, क्या मतलब होता है मेनोपॉज का? ऑप्शन होगा इसका सी, मतलब मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होना? बंद हो जाना, मतलब स्टॉप हो जाता है, एमसी स्टॉप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहा जाता है। मासिक धर्म, रजोधर्म या महावारी का स्टॉप हो जाना क्या कहलाएगा? मेनोपॉज कहलाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये टर्म्स। ये लिखा है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मतलब एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो जाना? बंद हो जाना, मासिक धर्म का बंद हो जाना क्या कहलाएगा? मेनोपॉज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 21, 21 नंबर आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। 21 नंबर पर लिखा है कौन सा हार्मोन्स दुग्ध ग्रंथियों, मतलब मेमोरी ग्लैंड के विकास में सहायक होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। विच हार्मोन्स इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डिफरेंस, ए व बी दोनों, ए एंड बी बोथ, बोथ ए एंड बी, ओके, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? डी होगा। ये दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं फीमेल्स में, या मेमोरी ग्लैंड कहेंगे इन्हें, मेमोरी ग्लैंड में जो सहायक होते हैं हार्मोन्स, वो क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये सहायक होते हैं दुग्ध ग्रंथियों के निर्माण में या विकास में या डेवलपमेंट में। ऑप्शन है इसका डी, ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, ये महिलाओं की मेमोरी ग्लैंड में अच्छा डेवलपमेंट के लिए ये इनका कार्य होता है, इन हार्मोन्स का। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 नंबर देख सकते हैं, मिडवाइफ का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट डज द मिडवाइफ लिटरली मीन, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर बताएं। इसका होता है ऑप्शन बी, महिलाओं के साथ, अलॉन्ग विद द वुमेन, क्या होगा? महिलाओं के साथ। ऑप्शन है इसका बी फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, 30 नंबर आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 30 नंबर पे दिया गया मिडवाइफ की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मिडवाइफ की, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ सकते हैं, मिडवाइफ की जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल डिफिनीशन है वो किसके द्वारा दी गई है? द इंटरनेशनल डिफिनीशन ऑफ मिडवाइफ इज गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका डी फ्रेंड्स, क्या होगा? आईसीएम के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? आईसीएम के द्वारा। जो मिडवाइफ की डिफिनीशन है, इंटरनेशनल डिफिनीशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय, जो वर्ल्ड वाइड डिफिनीशन है ना, वो दी गई है आईसीएम के द्वारा, आईसीएम के द्वारा दी गई है। ऑप्शन क्या है इसका? डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 नंबर, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी जनरली क्वेश्चन है लेकिन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में। इनका गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में औसत वृद्धि कितनी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा है। इनका व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज इन वेट ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं में औसत मतलब एवरेज वेट जो गेन होता है वो कितना होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड सी, कितना? 11 kg या 11 किलोग्राम, 11 kg, ऑप्शन है इसका सी।
जो गर्भावस्था के दौरान जो वेट गेन होता है महिलाओं में वो 11 kg के आसपास ही एवरेज वाला होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर बिटवीन पूछा जाए आपसे जब भी, तो आपको बताना है 10 से 12 के बीच में, 10 से ये लिखा है 12 to 5 15, मतलब 10 to 12.5, मतलब 10 से 12.5 के लिए 12 किलो, ओके ध्यान रखना ये, अगर बिटवीन में पूछा जाए। लेकिन बिटवीन में कोई आंसर नहीं था तो क्या होगा एवरेज आंसर, 11 kg होगा। तो यही आंसर इसका बिटवीन में है, कितना है ये एवरेज आंसर है 10 और 12.5 के बीच, मतलब 10 to 12.5 के बीच का जो आंसर होगा एवरेज आंसर 11 kg होगा, इसलिए ऑप्शन सी है, इतना वेट गेन हो जाता है उनको प्रेगनेंसी के टाइम्स। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, मोस्टली लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, जिनका आंसर गलत है वो देख सकते हैं यहाँ पर। ये लिखा है क्वेश्चन पे कि एक महिला की जो LMP 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2012, तो उसकी EDD क्या होगा, इस्टीमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब उसका क्या होगा। इफ़ आ वुमेन LMP 1 जुलाई 2012 है, तो उसका जो EDD होगा वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या होगा उसका ऑप्शन है इसका फ्रेंड डी, क्या होगा डी। ये आपको पता होगा लास्ट LMP से क्या होता है, टाइमिंग जोड़ी जाती है डिलीवरी की, ये इस्टीमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी की, तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि ये 1 जुलाई है, तो जुलाई से मतलब स्टार्ट होगा, जुलाई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के बाद 9 महीने हो जाएंगे कंप्लीट, मार्च के बाद 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 जुलाई है, तो इस पर क्या होता है मार्च से 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है 7 दिन प्लस कर दिए जाते हैं, कितना 7 दिन प्लस कर दिए जाएंगे इस पर, तो 280 दिन में जब 7 दिन प्लस कर दिए जाएंगे तब क्या आएगा 8 अप्रैल 2013 आ जाएगा, 8 अप्रैल 2013 आ जाएगा, या आप यूँ समझ सकते हैं 9 मंथ में क्या होगा 7 दिन प्लस कर दिया जाता है, 7 डेज प्लस किया जाता है, ओके। लास्ट जो LMP होगी लास्ट मेंस्ट्रुअल ऑफ द पीरियड, जब एस्टिमेटेड निकालेंगे डेट ऑफ डिलीवरी ना, तो 9 महीने जोड़ लेंगे, तो आप देख सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक हो जाएंगे 9 महीने, लेकिन इसमें क्या होता है 7 दिन प्लस किए जाते हैं, ठीक है 7 डेज प्लस किए जाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, और 1 जुलाई यहाँ पर है, तो ये वाला 1 जुलाई वाला आगे जो अप्रैल आएगा, तो अप्रैल में 7 + 1 हो जाएगा, 7 अप्रैल में 1 जोड़ जाए तो 8 अप्रैल पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 8 अप्रैल 2013, मतलब 8 अप्रैल 2013 आंसर होगा डी। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 26, ये आपके लिए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ये लिखा है WHO के अकॉर्डिंग, मतलब हु के अकॉर्डिंग प्रसव पूर्व विजिट की जो न्यूनतम संख्या होती है कितनी होती है, जो महिलाओं को प्रसव के पहले जो विजिट करना चाहिए वो कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी बार उनको एट लिस्ट, मतलब यहाँ पर लिखा है न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम कितनी बार उनको विजिट करना चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द प्रीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा यहाँ से जो मिडवाइफरी से था, सारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया लगभग, अब जो हम नया चैप्टर्स लेके आएंगे आपको बताना है, वैसे हम पढ़ाना चाहेंगे यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कल हम इसमें रिवीजन कराएंगे, ठीक है रैपिड रिवीजन होगा, बहुत स्पीड में चलेगा, ठीक है रैपिड रिवीजन होगा कल, आप इस पर ध्यान रखिए, कल हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं इसमें डिलीवरी से रिलेटेड, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स जो होगा वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या कब पढ़ना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।